الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هم پڑھ رہے تھے لسان القرآن جس کا تیسرا جزء ہم پڑھ رہے ہیں بإذن الله، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے الفعل ينقسم إلى قسمين، الفعل ينقسم إلى قسمين من حيث مادة حروفه، الفعل الصحيح والفعل المعطل. والفعل المعطل هو الفعل الذي في أصله حرف من حروف العلة. الفعل المعطل هو الفعل الذي يقع في أصله حرف من حروف العلة، والحروف العلة واو وياء والألف. فدرسنا فعل المعطل ونقول الفعل المعطل قد يكون أجوف، وهو ما يكون في وسطه حرف علة، وقد يكون المثال وهو ما يقع حرف علة في أوله، أمر مثلا، أخذ، وقع. والثالث نقول الفعل المعطل منها الفعل الناقص، وهو ما يقع حرف العلة في آخره، وقد يكون حرفين من حروف العلة في الفعل ونقول له اللفيف، وقد يكون مقرونا أو مفروكا. نعم، آگے جائیے. آج جو ہم نے پڑھا کل، الله أكبر كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کل، یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. فعل مجهول ان کے اندر، معروف ان کے اندر، یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کے وزن جو تھے. اس کے بعد رہا تھا فعل ناقص، ناقص رہا تھا جو اجوف کے بعد ہے. تو ناقص کون ہے؟ حروف مادہ میں لام کلمہ اگر حرف علت ہو، یعنی دا راسا فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، اگر لام کلمہ اس حرف علت ہو مزن واو یا تاتوانو اسی گو فعل ناقص. تو اگر لام کلمہ آئیس واو حرف علت گو ناقص واوی، اگر یا آئیس ناقص یائی. مثلا دعوا دعوا واو لاسٹ رسپیکٹ، تلاوا لاسٹ رسپیکٹ سے واو، رض رضاوا تو لاسٹ پہ ہے. اس طرح یا ہے
ये जैसे कि हदिया, समिया, तो नसिया, ठीक है। ऐसे नाकस्वावी ज्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है, दो अबवाब से ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। एक है नसरा यनसुरु, दूसरा है समिया यस्मउ, जैसे कि है दावा, जैसे कहते ना नसरा यनसुरु दावा यदउबु, यदउबु दावा यदउबु, समिया यस्मउ, ठीक है, रदिवा यरदवु, रजिवा यरदवु। नाकिसियाई तीन अबवाब से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे जराब, फतह और समिया। दराबा यद्रिबु, जैसे हदा यहदी, यानी हदा या यहदी, जिसे कहते हैं फतह यफ्तहु, सआ यसआ, यसआउ, ठीक है, समिया यस्मऊ, नसिया यनसा। नाकिस के कवाइद, हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत मुराद है आपको वाव या मुतहरिक हो अगर उस पर जबर हो, जैसे कि यहाँ पर है यद वो पर जबर है, वो या पर जबर है यो, ठीक है, अगर यो मुतहरिक होगा जबर जेर पेश, और मा कबल फतह और उससे पहले जबर होगा, जैसे कि यस आ वो, इस पेश से क्या पहले है जबर है, ठीक है, यार वो ऊपर, तो इससे पहले क्या है पेश है, तो हर्फ इल्लत एलिफ में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर हर्फ इल्लत किस में तब्दील हो जाएगा, एलिफ में। बोर्ड अगर हो सकता है तो ये कीजिए यहाँ पर। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बकरा असील। देखिए दावा, देखिए क्या कहा उसने, कहा अगर हर्फ इल्लत वाव है, ये मुतहरिक है, इस पर जबर जेर पेश है, ये साकिन मत है ना, ये साकिन नहीं है, ये मुतहरिक है, ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ है, लेकिन इससे पहले फतह है, इससे वाव से पहले फतह है, इस या से पहले फतह है, ठीक है। तो अगर फतह होगी उससे पहले और हर्फ इल्लत भी मुतहरिक होगा, तो ये जो यानी हर्फ है ये एलिफ में बदल जाएगा, ये एलिफ में बदल जाएगा, तो या तो एलिफ मकसूरा होगा, ठीक है, जैसे या तो एलिफ खाली होगा या तो एलिफ मकसूरा होगा, यानी या की सूरत में। जैसे देखते हैं हम, देखिए हमने हमने पढ़ा पढ़ा है दावा यदउ, हमने नहीं पढ़ा है कभी, हाँ, जैसे राजीवा या रदवु, देखिए नीचे क्या है, दावा से दआ, दआ क्या है, ये दआ जो है, ये दआ ये क्यों है, ये नीचे वाला दावा असल में है, दावा को क्या कहा, दआ, जैसे हमने कहा कल कवाल, अगर बीच में उससे पहले तो वो एलिफ में होगा, कौल कवाल खविफा खौफा, हम कहते हैं खौफा या खौफ, यही फैल है, असल में क्या था खविफा, कौल यको यकाल, हम असल में था, हम कहते हैं असल में कविला, ठीक है, कवाला, तो दावा दआ आएगा, एलिफ बढ़ाया हमने वाव के बदले। हदा ये जो है ना, या हदा या, तो इसे बन गया हदा, यानी या है ना लास्ट वाले या हदा, इस पर एलिफ मकसूरा यानी छोटा एलिफ होता है हदा, हाँ। अब अगर कहीं पर इस एलिफ मकसूरा के बाद जमीर होगी तो वहां पर एलिफ मकसूरा को भी सिंपल एलिफ में लिखेंगे, जैसे कि असा प्लस हु असा हो, असा प्लस हु असा प्लस हु तो असा हो, समझ, सिंपल आया हमें कि ये जो या वाला है इस पर एलिफ मकसूरा होता है हदा, क्योंकि एक तो ये हरकत वाला है, इससे पहले जबर है, तो ये तो एलिफ माना जाएगा, लेकिन या के ऊपर एलिफ, उसे कहते हैं एलिफ मकसूरा। अब अगर वाव होगा, वाव से पहले जबर है, तो इस वाव को एलिफ कहेंगे, तो दावा को दआ कहेंगे, ऐसे ही। सुभान अल्लाह। नाकिस का हर्फ इल्लत और से का हर्फ इल्लत इकट्ठे हो जाए तो नाकिस का हर्फ इल्लत गिर जाता है। और दूसरी बात है, अगर हर्फ इल्लत, ठीक है, नाकिस है यानी वाव है या है, और इसी तरह कोई सेगा भी वही है, तो वो भी हर्फ इल्लत यानी वो जो है नाकिस का हर्फ इल्लत और सेगा का हर्फ इल्लत, अगर वो दोनों इकट्ठे हो जाए तो नाकिस का हर्फ इल्लत गिर जाता है। फिर अगर माकबल हर पर जेर
जबर हो तो वो बरकरार था, और उसे एक सिंपल सी बात है, डबल वाव डबल या अगर आएगा ना, जैसे कि हम कहते हैं यकाओ, तो यकाओ अगर वहां पर हम इस फैल को करेंगे, अगर इस यथ फैल करो मसला यंसा या यंसा मा वन वस तजी अकुई तजी अख्तराउन यल, मिसाल दाऊ से दावा दावा दाऊ दाऊ से दाऊ, ठीक है, जवाब आए ना अख्तरो यल एस नसीयू नसू सिंपल, यदुना यदुना अथवा यदुना तदउवीना तदईना यंसयूना यंसौना, कैज की ज या आ या अख्तराव यल, जवाब आ या अख्तराव यल, ये आगे है या आगे तक ऐसे ही है। कभी कभी हर्फ इल्लत गिर जाता है, जैसे कि दावत से दात, हदायत से हदत, दात से दाता, ऐसे ये इंशाल्लाह आप खुद देख सकते हो। फिर इसमें इसके आगे जाइए, उसका पेज वो नसरा यंसुर बाब में इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये होगा थोड़ा, ये आसान तो है लेकिन इसको थोड़ा समझना है, कि जैसे कि है दावा दावा दावू है ना ऐसे, लेकिन क्या पढ़ा, दा दावा दाऊ नहीं पढ़ा, दाऊ पढ़ा, ठीक है, दाऊ नहीं पढ़ा, क्योंकि यही हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, एक तो साकिन है और इससे पहले वो मुतहरिक है, और ये डबल आ गए वाव और वाव, सेगे का वाव तो आना ही था जमा के लिए, ये तो सेगे का वाव है, और दूसरा है हर्फ इल्लत वाला वाव, तो हर्फ इल्लत वाला वाव हमने गिराया, तो दाऊ के बजाय हमने पढ़ा दाऊ, ठीक है, ये है, तो आया दा दावा दाऊ, दा उस एक ने बुलाया, दावा उन दो ने बुलाया, दाऊ उन सब ने बुलाया, दात उस एक ने बुलाया, तो अब इसमें क्या है, दात वो दात वो हर्फ इल्लत फिर से गिर गया, दाता दाऊना दाऊता दाऊतुमा दाऊतुम, तो यहाँ पर गिर जाता है, यदउ यदउवानी यदउना सिंपल, तदउ तदउवानी यदउना तदउ तदउवानी तदउना अदउ नदउ, आखिर तक ऐसे ही है, तो समीअ यस्मउ बाब में से रजिया रजिया रजू 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 नहीं है, रजू रजियत रजियता रजीना रजीता रजीतुमा रजीतुम रजीति, ऐसे ही रजी, यरजा यरजयानी यरजौना यरजवूना नहीं है यरजौना, ठीक है, वाव गिर गया, तो ऐसे ही फता यफ्ता हुआ है, सआ असल में क्या था है सआया, तो हमने क्या पढ़ा सआ, आगे दूसरा वाला पेज फता यफ्ता हुआ बाब में से, अल्लाह अकबर, ये सआ असल में क्या है, असल में है सआया, तो हमने कहा अगर इस पर हरकत है, इस पर हरकत और इससे पहले जबर है, तो इसको एलिफ पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे स ये एलिफ छुपाया जाता है, इसे कहते हैं एलिफ मकसूरा, तो सआ पढ़ा जाएगा, ठीक है, सआ सआया सआउ सआउ नहीं, ठीक है, सात गिर गए यहाँ पर वो, या सआता सआईना सआईता सआईतुमा, ऐसे ही यस आ यस आया, इसका नसिया इसमें भी वही है, या इस तरह से दौराबा बाब में से हदा ये भी वही है, आगे दौराबा यद्रिबु उस बाब में से हदा, ठीक है, असल में हदया, ठीक है, तो हदा वही है, हदया हदू हदवू नहीं है, तो आखिर यहदी यहदियान यहदूना, ठीक है, अब अगर फेल मजहूल यानी फुइला पर दा 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 दाऊ दा दावा दाऊ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दुआया दुआया दुऊ दुईयत दुईयता दुईना, बुलाया गया दुईता दुईतुमा दुईतुम, युदा युदायानी युदाउना, उनको बुलाया जाता है बुलाया जाएगा, ठीक है, तुदा तुदायानी युदाइना तुदा तुदायानी तुदाउना, ऐसे ही ये आया है, उदा नुदा मुझे बुलाया जाता है या जाएगा, ऐसे आ लास्ट पर है लफीफ फ़ेले लफीफ, ये सब आसान है लेकिन
जब तक हम इसको न समझ पाएंगे, ये फिर खुद रहता है याद, कौल असल में कवला था, कविला था, ये कैसे हुआ वो, ये सब फिर हाँ समझ आ जाता है। तो लफीफ, लफीफ कौन हुआ? हमने कहा था अगर पहले आए हरफ इल्लत पहले फा कलमा पर, जैसे अखजा पहले ही आ गया तो इसे कहते हैं मिसाल, ठीक है। हमने कहा था दूसरा अगर बीच में आ गया तो इसे कहते हैं अजवफ, जौफुन खाली को कहते हैं, पेट को भी कहते हैं, ठीक है। तो बीच में आ गया अजवफ, ये बोर्ड खत्म हुआ। तो तीसरा हमने कहा था अगर तीसरा है वो है नाकिस, अगर लास्ट पे आ जाए हर्फ इल्लत, ठीक है, लास्ट पे अगर आ गया हर्फ ये यानी अजवफ, बीच में आ गया जैसे कवाला या कॉला जिसे कहते हैं, और लास्ट वाला है अगर लास्ट पे आ गया उसे कहते हैं नाकिस, दआ जैसे कि, ठीक है, सआ, सईया, दईया जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके बाद अब बचता है हमारे पास लफीफ। लफीफ क्या कहते हैं? लफीफ कहते हैं उस फेल को जिसमें हर्फ इल्लत दो आ जाए, दो हर्फ इल्लत इकट्ठे मान लीजिए, हाँ लफीफ जिसमें दो आए, या तो एक दूसरे पर आएंगे से कहते हैं मकरून, ठीक है, या तो पहले आएगा एक फा कलमा पर, ऐन कलमा पर नहीं आएगा, फिर लाम कलमा पर आएगा, यहां भी आ गए यहां भी आए, इसे कहते हैं मफरूक, मफरूक है ना फर्क बीच में। अब अगर फा कलमा पर नहीं है, ऐन और लाम पर है, इकट्ठे है ना ये इम्पैक्ट्स पर पानो है, सुनो मकरून। तीसवनान कुवा यानी हरफ मदा में दो हरफ लगे तो ठीक है लफीफ, वा का या, तो इसमें क्या है, वाव भी है, का बीच में और इसके बाद या है, तो फर्क है ना बीच में एक कॉफ और फिर सही से, इसे कहते हैं मफरूक, फर्क में सीन वाव या, तो सवा या है ना, तो इसमें क्या है, तो इसमें सवा या में जो है ना वाव और या ये तो इकट्ठे हैं, ये भी दो है, हा या तो इसमें भी दो है, तो ये कहा गया जो दो हरफ में कोई हरफ आ जाए तो सिर्फ मफरूक, जैसे कि वकाया वफाया, फा है बीच में, वलाया वलिया, तो लाम है बीच में, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर काफ है बीच में, यहाँ पर फा है बीच में, यहाँ पर लाम है बीच में, तो ये मफरूक है फर्क करने वाला, ठीक है। अब अगर इकट्ठे होंगे तो जैसे कि ये वाव और ये या इस तरह वाव और या इस तरह या और या, तो इसे कहेंगे मकरून। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ठीक है, जैसे कि ज़रबा यद्रिबु, इसके तीन बाब आते हैं लफी मफरूक से, तो समिया यस्माउ हसिबा यहसिबु, तो कहते हैं लफी मफरूक इज इक्वल टू मिसाल प्लस नाकिस, सिंपल है। मिसाल में क्या होता था पहले, नाकिस में क्या होता है लास्ट पे, ठीक है, तो मफरूक वही है। तो मकरून क्या है, लफीफ मकरून इज इक्वल टू अजवफ प्लस नाकिस, नाकिस और अजवफ, अजवफ वाला लास्ट जिसे बीच में होगा, नाकिस वाला जिसके लास्ट पे होगा, तो बीच और लास्ट, बीच और लास्ट। और जैसे कि यहाँ पर देखिए वाव काफिया जरा बाबा में से, वा का या जरा बा यद्रिबु, यो कियो वा का यकी, वही यो हयु वही यो हा, समिया बाब में से, हसीबा वलिया यवली वलिया यली, ठीक है, फीमा यली वलिया से है ये, इस तरह यहाँ से है जरा बाब में से, रवाया यरवी, रवा यरवी, असल में क्या है रवाया यरवी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं रवा यरवी, हय्या यही, असल में हम पढ़ते हैं हय्या यहया। फा कलमा पर हमेशा वाव और लाम कलमा पर या आता है, ऐन कलम पर वा और लाम कलम पर यह आता है, ये मालूम है। फा और ऐन कलम पर हर्फ इल्लत के वजह होने जो नेमत बहुत कम है, और अगर नहीं होता, ठीक है, फा और ऐन कलम पर गौरने के दोन, फा और ऐन, फा मिसाल फा ऐन लाम, फा और लाम ये दो इकट्ठे अक्सर नहीं होते हैं,
लेकिन ये दो सेकंड और थर्ड वाला मिलते हैं, यही कह रहे हैं ये। वाइलुन, जैसे कि यहाँ पर वाइलुन है, यौमुन है, यहाँ पर वाव और या ये आ गए वाइलुन में, वाव और ये पहले आ गए, इस तरह आ गए यौमुन, यौमुन या और वाव आ गए, ठीक है। बाकी ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, बाकी वही है जिसमें सेकंड और थर्ड लेटर आता है। बाज़ अवकात लफी भी मकरून मुजाफ भी होता है, मुजाफ यानी डबल, यानी एक ही के दो आएंगे, जैसे आया था वाव फाकिल में पर वाव, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर आया था रवा, तो वाव और या, ठीक है, तो वाव और या ये एक हर्फ है ये दो, लेकिन कभी आ सकते हैं दोनों, यानी या और या आएंगे, वो एक ही आएंगे, तो उसे कहते हैं एक मुजाफ, डबल आते हैं, एक ही जिनस के डबल आते हैं, वाह वाह और या, जैसे कि ये है। ऐश्वर्य को इदगाम करना, या दोनों इदगाम भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, हय यहयु ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मदद यमदुदु या मद यमुद्दु, दोनों कह सकते हैं, या अय या अयु, आगे जाइए वाहया अल्लाहुम्मा अग्फिर लि कबीरा सुभान अल्लाह बकरतन वसीला اللهم اغفر لي، الله أكبر. أفعال التعجب؟ نهي، يه نهي هوگا. ألف التانيث هوگا شاید. ألف مكسورة وغيرها. اسكي بعد آئے گا الممنوع من الصرف. ألف التانيث. الله أكبر. अभी थे 200 कुछ पर आफ, तो ठीक है, يا الله यहीं पर होगा। आगे आगे आगे, ये तो हमने पढ़ा, इसके बाद यही है अफ़ार तअज्जुब। चलो यही पढ़ते हैं, लेकिन ये उल्टा भी है, मुझे लग रहा है इनने कुछ पेजेस छोड़े हैं। अल-फ़ेलु तअज्जुब, तो चलो उनने कुछ और बीच में छोड़े हो सकते, इसके बाद लाए उनने वो अफ़ाल जिनको ताजुब के लिए, जरा ताजुब के लिए हम यूज करते हैं ना, उनको कहते हैं अफ़ाल ताजुब, यानी कह फ़ैल छ यम इस करान छ हरानगी खतरे इस्तेमाल, तमन छ जिस सेगा तमन छ वना सेगा त ताजुब, ज वजन छ ज पैरामीटर्स छ, अख छ यथ वनान छ मा अफ़अला हु मा अहसना हु, ठीक, बया गो अफ़इल बिह, अफ़इल बिह, इत के आमुद छे इस कुरान अंदर, मा अहसन हो सुकूतह खूबसूरत, मा अकरम हो सुकूतह इज्जत करनू, मा अजमल हो वो कितना ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हाउ मच ही इज ब्यूटिफुल, मा अहसन भी वो सुकूतह खूबसूरत, मा अफ अला हो मा अफ अला लेकिन अफ इल भी यम वजन, यम वजन यमन दोन वजन पेठ ये गसान, मा अफ अला हो मिसाल मा अहसन वो कितना खूबसूरत अच्छा है, का है मा अहसन भी अफ़इल भी, दोनों सेगो में ज़मीर की जगह हर किस्म का इसम जाहिर कर सकते हैं, मिसाल इस हको मुने मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा तमाम ज़मीर हको लगे था जाए, जैसे मिसाल इशा जुर मा अहसन मा अफ़अल असल मा अफ़अल बे अफ़इल बे अफ़इल बे, तो हीच लगो मुस इम ज़मीर कौन वो
इसके बाद इसमें जैद, इसमें मिसाल मा अहसना जैदन, जैद कितना खूबसूरत है, मा अहसना कितना खूबसूरत है, इसका वजन जैदन आओ मनसूब नकरा, ठीक, कितना खूबसूरत है जैद, न तो वनो अहसिन बि जैदन, अहसिन अच्छा बसा फैल अमर ना, यह तो क्या अहसिन बि जैदन, अहसिन बि हिशना मुराद जैद क्या ही हसीन है। मा अतवल अल वलदैन, कितने खूबसूरत है, कितने लंबे हैं दो लड़के, वाला दाल नहीं है, वाला दाई नहीं, मनसूब है ना, मनसूब हालत में, ठीक है। अक्सर बिन निसा, औरतें कितनी छोटी है। माजी के लिए काना और मुस्तकबल के लिए यकूनु बढ़ा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मा काना अतवल अल वलद, कितना लंबा था लड़का, मा काना कितना अतवल अल वलद, तो मा अतवला तो मा काना अतवल अल वलद। ما أطيب منظر البحر، ما يكون أطيب المنظر البحر، سمندر کا منظر کیا ہی پاکیزہ ہوگا، ما يكون کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ صرف ثلاثی مجرد کے عوام سے آتے ہیں جن میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، جن میں عیب ہوگا رنگ ہوگا وہ نہیں آئیں گے اس میں سے۔ رنگ اور عیب کے معنی دیے جانے والے عوام مزید فیہ اور رباعی عوام، جیسے کہ اشد یا اشدد، اعظم یا اعظم، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ما اشد اکرامہ، افعال اکرام ہے نا، اکرم یکرم اکراما، اکرم الف کی فرات میم، ہم چھ ژور حرف ہن گت سربا اس من گیس نہ یہ کہ استعمال کی احسن اتی ون اشد ا اتھے کن ون اعظم، یہ ورڈ یہ بناون تین ہو وزن کرنے یوز کی تی ونم تمن اندر چھن ایبن اشدد بی اکرامہ، ٹھیک، آگے جائیے۔ الله أكبر كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا۔ اس کے بعد کیا ہے، افعال ناقصہ ہے، سبحان اللہ، اب اسی بک کے مطابق چلیے جو ہے آپ کے پاس، ہاں افعال مقاربہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ٹھیک ہے مقاربہ والے افعال ہی پڑھتے ہیں، یہ افعال بھی افعال ناقصہ تو ہے نا، اس سے پہلے ناقصہ ہوں گے، ٹھیک ہے، 308 ہے نا یہ، تو اس سے پہلے کون سا پیج تھا آپ کے پاس، 308 ہے تو 307، چلو تو پیچھے ہو گئے وہ، ٹھیک ہے۔ افعال مقاربہ، یہ فعل ناقصہ، ناقص کہتے ہیں نا کان و اخواتہا، انہوں نے کہتے ہیں ناقص، یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبدا اور خبر پر، تو منتشا سا اخ خبر تو اخ آسان اسم، کن کان ہے اسم کان ہے خبر، مگر یہ ہنس خبر چھو ہمیشہ فعل مضارع، قاد قرب اوشک، قاد قرب اوشک، یم چھ آسان خبر گژھ وقوع قریبی، اسا چھ امیدس پر کران دلالت، شرع تفق جعل اخذ، یم چھ مقاربہ خاطر گژھان استعمال، یم چھ کران شروع آسنس پر دلالت، یعنی فعل گو شروع، مثال کا اتفل یقو، اس ونا اتفل قائمن، اتفل لڑکا چھ قائمن کھڑا، مگر اس کے ون اچھ انن فعل مضارع خبر، یقوم قائم ون اس ون یقوم قام یقوم گو فعل مضارع، آیا خبر اتفل چھ مبتدا، مگر اس کے لوگ اس بوتے افعال مقاربہ یعنی قریب کرنے خاطر معنی، اس ون کا د تفل یقوم گو کا د فی گو فعل مقاربہ، اتفل کیا گوس اس اسم کا د یقوم کیا چھ مضارع خبر کا د مطلب قاد الطفل يقوم قریب چھ کہ بچ گئے کھڑا، یقاد البرق يخطف قریب چھ کہ برق نی چھینت تہذن چشمن ہوں دی گاش، ٹھیک ہے، قاد الكفر قاد الفقر ان یک یعنی قاد الفقر وار یہ قریب چھ کہ فقر یوزن چھ یہ بنائے انسان کفر وغیرہ، اسا چیوان امید خطر، اسا امید
असा ही यकून शायद, ठीक है। तो असा जैदुन अखरुजा, हो सकता है कि जैद नेर नेबर। लेकिन अखाद तिफलु यमशी, अखाद इश्करान शुरू पढ़े स्टार्ट कर, बच्चा चलने लगा। अतिफलु यमशी, बच्चा चल रहा है। अखाजा शुरू किया बच्चे ने, इन्हें चलने लगा बच्चा। तो काराबा और अवशका कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए है, काराबा ठीक है। असा और अवशका की खबर इन पर अन लाना बेहतर है, जैसे कि असा जैदुन यखरुजू कह सकते हैं हम, लेकिन कहा असा जैदुन अन यखरुजा, और कादा और काराबा के बाद न लाना बेहतर है, शराइत फिक्र नहीं ला सकते। कादा और अवश्य का मुजारे भी इस्तेमाल होता है, जबकि असा का सिर्फ माजी आता है। असा जैदुन अन यखरुज, ठीक है। असा या असा नहीं है, कादा यकादु है, अखाजा याकुज है ना, कादा यकादु है ठीक है, अखाजा याकुज है, करोबा ये जो है अवश्य का युशिकु है, करोबा यकरुबु है, जाला यजअलु है, लेकिन असा या असा नहीं है, असा तो असा ही है बस। जैसे कि आया है कुरान में, यकादुल बर्कु यकतुफु अबसारहुम, करीब है जो बर्क है बिजली है वो उचक ले उनकी चश्मों को, उनकी बिनाई को। लेकिन तकादु तमय्यज़ मिनल गैज़, करीब से के सब फटे के शरारत से गया। फजबा हुआ, उन्हें उसको जबा किया बनी इसराइल ने। वमा कादू यफालून, और वो नहीं करने वाले थे, असल में कर करीब ये था, वो नहीं करते इसको। असा और रब्बुकुम यरहमकुम, आगे तक ऐसे ही है। जाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु रासहु, जाला बनाना के माने नहीं है, जाला शुरू किया रसूल ने, यमसा हो रास हो अपने सर का मसा करना। आगे वत्ताफिका, ये भी है, उनने शुरू किया अपने ऊपर डालना जन्नत के औराक। आगे आगे और एक बाब क्या है इसके बाद, तवाबिया, तवाबिया क्या होते हैं, तवाबिया होते हैं किन उच्च वना मुब्तदा पाच मुब्तदा अस पर किन करा फॉलो का तहत इस बराबर तो एरा बिवान उस मुब्तदा हर शिवान खबर शुसो एरा बिवान खबर पतन आई बे किन तहत आवती बिके साथ तहत आवती अच्छ वनान ताबिया गताबिया का पैरी करन बोल। अगर मुब्तदा छ मारफू व्यक्ति मारफू, चलो ठीक है, कहते हैं आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।